Welcome guys back to the channel once again, and I hope you all are doing absolutely fine. There is my iPhone 10 and S5. दोनों के ऊपर अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मतलब दोनों एक साथ नहीं, सिंगल सिंगल वीडियो. तो दिस इज़ माई आईफोन 6 64 GB स्पेस ग्रे फिंगरप्रिंट नॉट वर्किंग फ़ोन, जो मुझे ईबे के लॉट में मिला था. जो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई कार्ड में लिंक है, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो. तो दिस इज़ एन आईफोन 6 64 GB स्पेस ग्रे. इट्स अ स्पेस ग्रे, इट्स अ 60. एज यू गाइस कैन सी इट सेज अनेबल टच आईडी, और बाकी सब तो आप देख सकते हो. फोन इज इन परफेक्ट कंडीशन. तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आईफोन 6 इन 2020, यार बहुत सारे फोन अभी ये फ़ोन ले रहे हैं. पहले मैं इसका वर्जन बता देता हूँ आपको. देखो इट्स ऑन 12.4.5, और ये अप टू डेट वर्जन है इस आईफोन का. और मेरा आईफोन 10 किस पे चल रहा है वो भी देख लेते हैं. इट्स ऑन 3.5.1. तो अभी 14 भी आ गया, iOS 14. तो ये iOS 12, 13 भी सपोर्टेड नहीं है फ़ोन. तो फिर लोग आप iPhone 6 क्यों ले रहे हो, फॉर वॉट रीज़न? 6S भी है, आपको उसी रेंज में 6S भी मिलेगा, आप 6 क्यों ले रहे हो? फॉर वॉट गुड रीज़न यू आर बाइंग iPhone 6? आई डोंट नो. ये फ़ोन 2014 का फ़ोन है, ये फ़ोन 2014 का, 2014 में लॉन्च हुआ हुआ फ़ोन है ये. इट्स लाइक अबाउट 6 ईयर ओल्ड फ़ोन. उसके लिए अभी भी लोग 10-10 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं, जबकि उस रेंज में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट डिस्प्लेज, लेटेस्ट मतलब एकदम टॉप नॉच वाले फ़ोन आ रहे हैं उस प्राइस रेंज में. तो फिर आप आईफोन 6 क्यों ले रहे हो? अब मुझसे पूछो कि मैंने आईफोन 6 क्यों लिया. तो मैंने जिस प्राइस में लिया है वो वर्थेबल है. मैंने 3,500 में दो दो आईफोन लिए, और जो मेरा 128 GB वेरियंट आईफोन था 6 128 GB, मैंने उसको सेल करके मैंने दोनों के फ़ोन का प्राइस प्लस मुझे ऊपर से और 2,500 रुपये एक्स्ट्रा मिले उस अकेले फ़ोन को सेल करने के बाद. तो उस अकेले फ़ोन को जब मैंने सेल किया तो बंदा रेडी था मुझे 10,000 रुपये पे करने के लिए, एंड देन ई नेगोशिएटेड फॉर 7,500. बट स्टिल 3,500 में को मैंने 5,000 पकड़ा हुआ है, तो बिकॉज दूसरे भी चार्जेस कुछ हुए थे तो 5,000 मैंने पकड़ा और 2,500 रुपये मेरा प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट तो नहीं कह सकते बट ऐसे ही मुझे ऊपर से पैसे आ गए, 2,500 रुपये प्रॉफिट समझ लो. इस फ़ोन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है अभी. वेलकम, सॉरी फॉर दैट कट गाइस. तो चलो गाइस, तो लोग अभी क्यों ले रहे हैं इस आईफोन को, मतलब समझ नहीं आ रहा है व्हाट सो गुड रीज़न. मतलब इनको फ़ोन क्या पसंद आ रहा है आईफोन 6, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा. उसकी डिस्प्ले ना अच्छी, ना कैमरा अच्छे. चलो मैं कैमरा मानता हूँ क्योंकि आईफोन का कैमरा जो है बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्टिमाइजेशन में होता है. इवन आईफोन 10 का भी अच्छा कैमरा है, आईफोन 10 का तो बेस्ट है वो तो छोड़ो, लेकिन आईफोन 6 का तो इतना अच्छा कैमरा है, इट्स यूजेबल. बट यार आप अभी क्यों ले रहे हो 2020 में? आप आईफोन 6s ले लो, इट्स बेटर. SE ले लो, 7 ले लो, थोड़े पैसे ज़्यादा जाएंगे लेकिन फ़ोन अच्छा लो ना गाइस. आप पैसों को देख रहे हो तो फिर ये ऐसे आईफोन्स लेना आपके लिए वर्थ नहीं है. 6-6 साल पुराने आईफोन ले, पिछले साल तक लोग आईफोन 5s पे दीवाने थे, अभी आईफोन 6 पे दीवाने हैं. अभी जैसे 6s का भी सपोर्ट छोड़ देगा एप्पल,
तो फिर आईफोन 6s के दीवाने हो जाएंगे, फिर 7 पे छोड़ेगा तो 7 के दीवाने, ऐसा ऐसा ही चल रहा है। मेरे को पता है ये हम पता नहीं क्या मेंटालिटी है, लेकिन लोग चाहते हैं कि जैसा आईफोन जैसा एप्पल छोड़ दे तो जब प्राइस ड्रॉप हुए तो हम जाके फ़ोन ले लें। यार थोड़े पैसे डाल लो, आपका कौन सा नुकसान होने वाला है, फ़ोन में आप ही यूज़ करने वाले हो। बहरहाल इट्स आई एम जस्ट सेइंग, और स्टिल ये फ़ोन की अभी भी वैल्यू 40-45 में ऐसा बिक रहा है। फ़ोन 64 GB, पता नहीं फॉर सो गुड रीज़न क्यों ख़रीद रहे हो, क्योंकि मेरे को तो इसमें बिल्कुल भी पावर नहीं लगती। इट्स अ वेरी लैगी फ़ोन, बहुत लैग करता है, बहुत ज़्यादा, मतलब गेम्स भी आप बहुत नहीं खेल सकते हो, पबजी तो सपोर्ट भी नहीं है इसमें, तो फिर किस लिए यार आप आईफोन इतना पैसा डाल रहे हो, 40-50 दिनार, 10-12 हज़ार रुपये, क्यों, फॉर व्हाट गुड रीज़न, व्हाट इज़ गुड इन दिस फ़ोन, गो एंड गेट आईफोन 7, 8, 9, 8, 10 जो भी है, इट्स बेटर। पैसे ज़्यादा जाएंगे लेकिन आपका वर्थ होगा, अगले 5 साल तक आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर आप 8 के ऊपर के फ़ोन लोगे तो आपको और 2-3 साल के अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो और 2-3 साल चला सकते हो। फिर आप 8 बेचो, फिर आपको 8 के भी पैसे आएंगे, क्योंकि आईफोन की वैल्यू कभी नहीं छूटती गाइस, आईफोन की वैल्यू कभी भी नहीं छूटती। आईफोन 10 की वैल्यू अभी भी चल रही है मार्केट में 20,000 रुपये, जिस मैंने कंडीशन में लिया, ये तो मुझे बहुत कम में मिला, ये तो मैं उसकी वीडियो में बताऊँगा, लेकिन मार्केट वैल्यू, कस्टमर रेट, जो कस्टमर जो ख़रीदते हैं हम सेकेंड हैंड में भी, उसकी भी वैल्यू बहुत कम हो चुकी है आईफोन 10 की। यार आप आईफोन 10 ले लो, 8 ले लो, 8 प्लस ले लो, 7 प्लस 7 भी मत लो, मेरा रिकमेंडेशन है 6s और 7 मत लो, क्योंकि वो भी आउटडेटेड हो जाने वाले हैं 2-3 साल के अंदर। अगर आपको और 2-4 साल चलाने हैं तो आप 10 ले लो, 8 ले लो, ऐसा ले लो, या फिर आपके पैसे है तो 10s ले लो, 11 ले लो, बेटर है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा 11 ले लो, या फिर SE ले लो, आईफोन SE, 6 लेने के बजाय आप आईफोन SE ले लो, इट्स बेटर। मैं तो ऐसी 2020 जो इस साल लॉन्च हुआ है वो आपको अगले 5-6 साल तक आपको अपडेट्स मिलते ही रहेंगे, 4-5 साल तक, तो फिर यार वो ले लो, आपके लिए वो बेस्ट रहेंगे फ़ोन। बट यार आईफोन 6 तो मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, पर लोगों की मैंटेलिटी होती है, लेना नहीं लेना उनकी मर्ज़ी है, लेकिन क्या करेगा इस, अभी देखो तुम लोग की मर्ज़ी है, तुम्हें लेना है नहीं लेना है, बट मैं तो रिकमेंड करता हूँ मत लो, पैसे वेस्ट मत करो इन फ़ोन पे, इससे अच्छा आप कोई दूसरा अच्छा आईफोन ले लो, या फिर आईफोन की जगह अगर आपका बजट आईफोन पे नहीं बैठ रहा है तो कोई सैमसंग वगैरह के फ़ोन भी ले लो, जैसा S8 S9 भी अच्छी क्वालिटी के, मतलब सैमसंग के अच्छे हायर रेंज फ़ोन होते हैं S8 S9, उसको सेकेंड हैंड में ले लो। बट आईफोन 6 तो अभी यार आउटडेटेड हो गया है मेरी रिकमेंडेशन के अंदर, एप्पल ने भी सपोर्ट छोड़ दिया, और अब बहुत सारे ऐप्स तो अभी सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, जैसा कि मतलब सपोर्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह, आप जो डेली नेट ब्राउजिंग करते हो वो सपोर्ट करेगा, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द लाइक हायर एंड गेम्स वगैरह तो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो आप इतना पैसे डाल के भी क्या फ़ायदा है, उससे अच्छा आपको 7-8 हज़ार रुपये का फ़ोन ले लोगे, उसमें पबजी चलता है, सिंपल सी बात है, वो बाकी आपकी मर्ज़ी। और इससे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है आईफोन से 6 से ज़्यादा बड़ा होता है वो फ़ोन एंड्रॉयड का, अब वो ले लो। आईफोन के पीछे मत जाओ अगर आपका बजट नहीं बैठ रहा है तो, बट स्टिल इफ़ यू लव आईफोन गेट इट, थोड़े पैसे डालो, कोई बात नहीं यार, पैसे डालो, ख़रीदो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, जानता हूँ बहुत छोटी थी 8.5 मिनट की, बट इसमें मैं सिर्फ अपनी रिकमेंड डालना, अपनी मतलब एक ओपिनियन डालना चाहता था कि यार आईफोन 6 लेना बंद कर दो इन 2020 के बाद से, मतलब खलास, ये लास्ट ईयर है, आप ले रहे हो, पैसा डाल रहे हो, ख़त्म कर दो। और अगर अभी कोई लेने वाला आईफोन 6 तो मैं उसको भी ये कहना चाहता हूँ कि मत ले भाई, तो थोड़े पैसे सेव कर ले, थोड़ी देर वेट करके आप आईफोन 7 ले ले, अगर तेरा बजट बहुत टाइट है तो 7 ले ले, कोई बात नहीं, तेरे को और 2 साल तक अपडेट मिल जाएंगे 7 के, लेकिन आईफोन 6 तो तेरे तू भूल जा, 6s भी ले सकता है तो ले ले, 6s बहुत टाइट बजट है तो 6s ले ले, लेकिन 6 तो छोड़ दे भाई, तो 6 लेगा तो एटलीस्ट iOS 13 और iOS 14 का तेरे को आईफोन 6s में सपोर्ट मिलेगा, आईफोन 6 में तो तुझे iOS 12 पर रुकना पड़ रहा है, तो तेरी मर्ज़ी, कुछ भी तुझे ना डार्क मोड मिलेगा ना कुछ ना क्या, तो फिर इट्स योर विश गाइस, अगर आपको आईफोन 6 अभी भी लेना है 2020 में तो। बट इफ़ यू लव दिस वीडियो, इफ एंजॉय दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ये 3 चीज़ आप पक्का कर देना गाइस, 109 सब्सक्राइबर्स आज की डेट में है मेरे, तो गाइस लेट्स मेक इट कितना है 91 मोर सब्सक्राइबर्स, तो मैं देखता हूँ अगर आई एम नॉट हैविंग कोरोना, एक्चुअली यहाँ पे कोई पकारा लगता है मेरे को, तो उसके लिए मुझे ढांस उठ रही है, तो उसके लिए मैं खांस दिया, डोंट थिंक दैट आई एम हैविंग कोरोना और समथिंग,
So that's all for this video, guys. If you enjoyed this video, don't forget the like button, share this video, and subscribe to my channel. And I will see you in the next video. Until then, peace out. और मैं ये पॉप सॉकेट निकालने वाला हूँ. देखो कि बहुत प्यारा लग रहा है ना. iPhone 10 पे लगने वाला है वो. ये iPhone 10 पे कोई पॉप सॉकेट ही नहीं है. बेवकूफ़ की तरह यूज़ करो iPhone 10 को. चलो गाइस, दैट्स ऑल. और iPhone 10 का आपको वीडियो और S5 का वीडियो इसके बाद ही आएगा शायद से. तो इन्जॉयड iPhone 6 इन 2020. सो खरीदना मत, बाकी आपकी मर्ज़ी है. स्पेसिफिकेशंस मैंने टेक्निकल ज़्यादा किए नहीं थे और इसको ज़रूरत भी नहीं है. तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ इन्जॉयड, sorry guys, I got a call. That's all for this video, guys. If you enjoyed, don't forget to hit the like button. You know the drill. Like, share, subscribe. Aur jaldi se 200 subscribers karna hai. That's all for this video. See ya in the next video. Until then, peace out. And yaar, vlogs coming soon, na? Vlogs ke mein main aapko matlab ek दे रहा हूँ कि मैं व्लॉग्स भी लाने वाला हूँ. तो व्लॉग्स ऑल्सो कमिंग सून. एंड निज़ामबाद डायरीज इज़ माई सेकेंड चैनल जहाँ पे मैं स्किट्स अपलोड कर रहा हूँ. मैंने एक ही वीडियो अपलोड की अभी तक, तो मैं अभी दूसरी स्किट भी प्लान कर रहा हूँ. तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, निज़ामबाद डायरीज के इंस्टाग्राम पर फॉलो करो और निज़ामबाद डायरीज चैनल पर जाके सब्सक्राइब करो. अगर आपको हैदराबादी कॉमेडी या फिर कॉमेडी आपको पसंद है और टेक्निकल किंग, तो वैसे भी आप सब्सक्राइब कर लो इस वीडियो को देखने के बाद. और टेक्निकल किंग में जो मेरा इंस्टा है वो भी आप फॉलो कर दो. और मेरा पर्सनल इंस्टा सल्लू किंग 197 उस पर भी आप मुझे फॉलो कर दो. मतलब तीन तीन इंस्टा से जानता हूँ, वियर्ड लग रहा है, लेकिन आप तीनों पे भी जाके फॉलो कर दो. तीनों पे भी मैं कभी कभार ये वो अपडेट्स देता रहता हूँ. दोनों निज़ामबाद डायरीज और टेक्निकल पे तो आपको चैनल अपडेट्स मिल जाते हैं, और मेरा पर्सनल पे तो आपको मेरा पर्सनल अपडेट्स मिल जाते हैं. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. पीस आउट. और यू नो द ड्रिल, नीचे लाइक का बटन है दबा दो, और सब्सक्राइब का बटन है उसको लाल से ग्रे करके बाजू जो घंटे का बटन है उसको जोर से दबा दो. और घंटा टूट जाना चाहिए एकदम से, उसके बाद घंटा देखना ही नहीं चाहिए यूट्यूब पे. दैट्स ऑल. बाय. पीस.